Dear students, in this topic we shall discuss the tubular reabsorption, that is, reabsorption process in the kidney tubule. The glomerular filtrate flows sequentially through the various or successive parts of the renal tubule. From the tubule, useful substances. Are selectively reabsorbed back into the blood. Reabsorption occurs in every segment. However, the substance is absorbed and their relative concentration changes with the segment. First, we shall discuss reabsorption in the proximal convoluted tubule. The cells of proximal convoluted tubule. रीअबॉर्ब अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट वॉल्यूम ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेट यानी कि जो अल्ट्राफिल्ट्रेट है उसका तकरीबन साठ से सत्तर फीसद हिस्सा जो है वो प्रोगीमल कानोलोटी ट्यूब्यूल में रीऑब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन रेशोवाइज दिस पोर्शन रीऑबॉर्ब अबाउट नाइंटी नाइन परसेंट और इवन मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ ग्लूकोज Amino acids and other organic nutrients. This reabsorption involves diffusion, facilitated diffusion, active transport, and co transport mechanisms. Proximal convoluted tubule also actively absorbs various ions like sodium, potassium, magnesium, phosphate, bicarbonate. एंड सल्फेट आइंस इट ऑल्सो रिओब्सॉर्ब समली आइंस और न्यूट्रिय के अलावा एक लार्ज क्वांटिटी वॉटर की भी प्रोक्सिमल कार्मोलेटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होती है ये जो रिओब्जॉर्ब मेटीरियल्स हैं दे एंटर द पेरी ट्यूबुलर फ्लूड यानी वो फ्लूड जो के ट्यूबुल के इर्द गिर्द मौजूद है रीअब्सॉर्ब सब्सटेंसेज उसमें एंटर हो जाते हैं जहां से दे डिफ्यूज इन टू पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, विच क्विकली रिटर्न दीज सब्सटेंसेज बैक टू ब्लड फ्लो आर सर्कुलेशन नाउ वी शल डिस्कस रीअबॉर्बेशन इन दी लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले इज

इट हैज नो चैनल फॉर सॉल्यूट इसलिए यह सॉल्यूट के लिए परमिएबल नहीं है और सॉल्यूट की रीअब्सॉर्पन डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ लूपले से नहीं होती नो अनलाइक द डिसेंडिंग लिम्प जो असेंडिंग लिम्प है दैट कंटेन्स आइन चैनल्स बट नॉट वॉटर चैनल्स इसलिए इस लिंब से आइन्स की रीअबॉर्प्शन होती है जबकि वॉटर इस लिंब से ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं होता ओवरऑल लूप ऑफ हेनले री अबाउट हाफ ऑफ वाटर एंड टू थर्ड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइन्स विच एंटर इन टू इट इन द फिल्ट्रेट फॉर्म फ्रॉम दी प्रोक्सीमल कानोल्यूट्री ट्यूबल क्योंकि प्रॉक्सिमल कानोलिट्री ट्यूब्यूल तो अपना रोल प्ले कर चुके हैं उसके बाद जितना फ्लुअड या फिल्ट्रेट लूप लूपा फैनले में एंटर हुआ था उसका हाफ वाटर और टू तो थर्ड आइंस लूपा फैनले में एब्जॉर्ब हो जाते हैं दिस एब्जॉर्बन टेक्स प्लेस बाय ए स्पेशल मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड काउंटर क्रांट एक्सचेंज और काउंटर क्रांट मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी शैल डिस्कस री इन दी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट का जो इनिशियल फिल्ट्रेट था उसका तकरीबन 15 से 20 फीसद हिस्सा डिजिटल कॉन्वल्यूटिबल तक पहुंचता है ये जो डिजिटल कॉन्वल्यूट्यूल के सेल्स हैं दे एक्टिवली री एब्जॉर्ब सोडियम एंड क्लोराइड आइन्स इसी डिजिटल कॉन्वोल्यूट टिब्यूल का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है यानी डिजिटल पोर्शन जो है इट ऑल्सो कंटेन आइन पॉम्पिच री एब्जॉर्ब ट्यूबुलर सोडियम इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम आइंस इसके अलावा ये पोर्शन जो है डिस्टल कार्मोलोट्री ट्यूब्यूल जो है इट ऑल्सो रीअब्सॉर्ब बाई कार्बोनेट आइंस टू रेगुलेट दूरन पी एच